हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, दैट्स वेरी गुड। चलो अभी हम लोग पढ़ाई थोड़ा ही शुरू करें, ठीक है? ग्रेड 5 लेसन नंबर 6 स्वावलंबन। ओके, उसमें क्या है कि जो एक इसमें एक विद्यासागर है और एक लड़का है, उसकी पूरी स्टोरी इसमें दी गई है, ठीक है? चलो इसके बारे में शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। ओके बच्चों, आपने सुना होगा ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। प्रस्तुत एकांकी में हम एक ऐसे बालक के बारे में जानेंगे जो समाज सेवक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सहारा पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। पहला दृश्य यानी फर्स्ट सीन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जा रहे हैं, एक गरीब लड़का उनसे भीख मांगता है। ओके, लड़का, मालिक एक पैसा दे दीजिए। विद्यासागर, तुम भीख क्यों मांगते हो? लड़का, मेरी माँ बीमार है, पिता है नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा, इसलिए भीख मांग रहा हूँ। विद्यासागर, यदि तुम्हें एक आना दूँ तो तुम उसका क्या करोगे? ठीक है, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने पूछा कि यदि मैं तुम्हें एक आना दूँ देता हूँ तो तुम उसका क्या करोगे, क्या उपयोग करोगे? ठीक है, लड़का बोला, दो पैसे माँ के पास जमा कर दूँगा, दो पैसे की खाने पीने की चीज़ें लाऊँगा। ओके, फिर विद्यासागर, यदि चार आने दूँ तो? लड़का, मालिक आप तो मजाक कर रहे हैं, एक पैसा देना हो तो दीजिए, नहीं तो मैं जाता हूँ। विद्यासागर, नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। फिर तीन आने माँ को दूंगा और एक आने की खाने पीने की चीज़ें लाऊंगा। विद्यासागर खुश होकर बोले, अच्छा तो मैं एक रुपया देता हूँ, देखो कहीं कोना नहीं, अपनी माँ को दे देना। विद्यासागर लड़के को एक रुपया देते हैं, एक और विद्यासागर जाते हैं और दूसरी ओर लड़का जाता है, ठीक है? फिर दूसरा दृश्य यानी कि सेकेंड सीन शुरू होता है। 5 वर्ष के बाद विद्यासागर उसी सड़क से जा रहे थे, लड़का दुकान पर बैठा है, ठीक है? इस बात को अभी 5 साल बीत गए हैं और उसी रास्ते से वापस से विद्यासागर जो है गुजर रहे हैं, जा रहे हैं और लड़का एक दुकान पर बैठा हुआ है, ठीक है? लड़का विद्यासागर के पैरों पर गिरकर, मालिक प्रणाम। लड़के ने विद्यासागर को देखा, दौड़ा आया और विद्यासागर के पैरों में वह गिर गया और मालिक को प्रणाम किया। विद्यासागर बोले, सुखी रहो भाई। लड़का, मालिक कृपा करके आप मेरी दुकान तक चलिए। लड़के ने विद्यासागर को अपनी दुकान पर चलने के लिए कहा। विद्यासागर बोले, क्यों भाई, तुम कौन हो? लड़का, पहले आप चलिए तब मैं बताऊंगा। विद्यासागर, अच्छा चलो। दोनों दुकान में आते हैं, लड़का बड़े आदर के साथ विद्यासागर को कुर्सी पर बिठाता है। विद्यासागर, हाँ भाई, अब बताओ मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? लड़का, मालिक थोड़ा और ठहर जाइए, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, फिर बताऊंगा, ठीक है? विद्यासागर बोले, अरे भाई तुम तो बड़े भक्त जान पड़ते हो, अब तो बताओ क्या बात है? लड़का, मालिक आपको याद है
आपसे एक दिन मैंने एक पैसा मांगा था पर आपने एक रुपया दिया था। विद्यासागर याद करके थोड़ा सा फिर बोलते, हाँ हाँ याद आया। तो लड़का, मालिक मैंने उसमें से एक आना अपनी माँ को दिया, 15 आने के आम खरीद कर बेचे, कुछ अधिक पैसे मिल गए, फिर आम लाया और मैंने उन्हें बेच डाला। इस प्रकार करते करते कुछ दिनों में मेरे पास 50 रुपये हो गए। तब मैंने यह दुकान खोल दी। अब मैं और मेरी माँ दोनों बड़े सुख से यहाँ रहते हैं। विद्यासागर खुशी से, वाह वाह तुमने बहुत अच्छा किया, मैं भी कुछ ऐसा ही चाहता था। केवल एक रुपये से तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए और भीख मांगना छोड़ दिया। लड़का बोला, मालिक यह सब आपकी कृपा है। विद्यासागर बोले, मेरी कृपा नहीं, यह तो तुम्हारी मेहनत है। कुछ पढ़ाई भी की है? लड़का, नहीं मालिक, कैसे पढ़ता? विद्यासागर बोले, अच्छा अब तुम रोज रात्रि पाठशाला में जाया करो, तुम अपनी जीविका कमाने लगे हो, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए, इससे तुम्हारी दुकानदारी को लाभ होगा। लड़का बोला, आपकी बात मैं अवश्य मानूंगा, मैं आज से ही रात्रि पाठशाला में पढ़ने जाऊंगा। विद्यासागर बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, फिर जब मिलूँगा तब अपनी पढ़ाई का हाल बताना। लड़का उनके पैर छूता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर उसे आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है। और अभी जानते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। देखिए इस पे ये मैंने देके रखे हैं, इसको आपको अपनी नोटबुक में एज अ होमवर्क लिखना है। उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज भी मैंने लिख कर दी है, वो भी आप अपने होमवर्क में लिखिए। ठीक है, देखिए लड़का ईश्वरचंद्र, हाँ ये जो है लड़का क्या मांग रहा था, एक पैसा। ईश्वरचंद्र जी ने लड़के को कितने पैसे दिए? एक रुपया। विद्यासागर ने लड़के को क्या करने की सलाह दी? तो पाठशाला जाने की। ठीक है, फिर लड़का ईश्वरचंद्र विद्यासागर से भीख में कितने पैसे मांग रहा था? तो एक पैसा। एक आना देने पर लड़का उसका क्या करता? तो उसमें क्या आएगा, सेकंड वन आएगा कि एक आना माँ को देता, दो पैसे की खाने पीने की चीज़ लाता, ऐसे। ठीक है, फिर विद्यासागर ने लड़के को कितने पैसे दिए? उसमें आएगा एक रुपया। फिर लड़के ने एक रुपये से कितने पैसे कमा लिए? 50 रुपये। ठीक है, अब किसने कहा, क्यों कहा? आप तो मजाक कर रहे हैं, लड़के ने खींचने पर। ठीक है, विद्यासागर उन पे खींचे थे तो उसने ऐसे बोला लड़के ने कि आप तो मजाक कर रहे हैं। ठीक है, देखो कहीं खोना नहीं, अपनी माँ को देना। विद्यासागर ने पैसे कहीं गिरे ना इसलिए बोला। ठीक है, अब तुम रोज रात्रि पाठशाला में जाया करो। विद्यासागर ने बालक को शिक्षित हो जाए इसलिए। फिर जो ये प्रश्नों के उत्तर है ये मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। फिर क्या है, आप कैसे आदमी की सहायता करना सही समझते हैं? सही कथन के सामने ठीक का निशान लगाइए। इसमें आएगा ख, गरीब लेकिन मेहनती जो होती है उसकी। फिर ग, किसी दीनहीन और लाचार की। और घ, ऐसे आदमी की जो आगे बढ़ना चाहता हो। ठीक है, फिर निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के लिंग बताइए। उसमें पैसा पुल्लिंग, पाठशाला स्त्रीलिंग, सड़क स्त्रीलिंग, रुपया पुल्लिंग, दुकान स्त्रीलिंग, खाना पुल्लिंग। ओके, देन
निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। लड़के ने भीख मांगनी छोड़ दी, उसमें भीख आएगा। फिर मालिक आप तो मजाक कर रहे हैं, उसमें मजाक आएगा। फिर अब मैं और मेरी माँ बड़े सुख से यहाँ रहते हैं, उसमें सुख आएगा। मैंने अंडरलाइन करके दी है। मालिक यह सब आपकी कृपा है, उसमें कृपा। अच्छा है तुम अपनी जीविका कमाने लगे हो, तो उसमें जीविका। फिर इससे तुम्हारी दुकानदारी को भी लाभ होगा, तो दुकानदारी। ठीक है, फिर निम्नलिखित पृष्ठवाक्य शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस, किधर। ठीक है, वो मैंने लिख के दिया है, आप अपने हिसाब से भी बनाकर दे सकते हो। ओके, इसी के साथ हमारा ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।